दोस्तों 2023 में भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना सपना ही रह गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ फाइनल में हार के बाद भारत को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें मैच के वो गलत फैसले दिखाए गए हैं जो भारत के लिए काफी भारी पड़े। खास तौर पर ट्रेविस हेड और अंपायर ने भारत के साथ जो बेईमानी की है, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। लेकिन अब एक और न्यूज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, वो है ट्रेविस हेड का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने भारत की टीम से माफी मांगी है और कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपका दिल भी उनके लिए इज्जत से भर जाएगा। तो क्या है पूरी खबर और इन खबरों की सच्चाई? आखिरकार क्या कुछ कह दिया ट्रेविस हेड ने अपने बयान में? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का समापन हो चुका है। इस वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि भारत ने अपने सभी 10 के 10 मैच जीते थे और फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, जिसमें से एक मैच ऑस्ट्रेलिया को भी पूरी तरह हराया था। तो ऐसे में सबको यही उम्मीद थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को हराकर फाइनल को जीता और साथ ही साथ उन्होंने 140 करोड़ लोगों का दिल भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 240 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने महज 4 विकेट गवाकर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सही साबित हुआ, क्योंकि विकेट शुरुआत में काफी मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे विकेट स्लो हो गई और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के लिए रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। हालांकि कोहली और राहुल ने 50 जरूर बनाई, लेकिन यह भी भारत को एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सके, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। लेकिन हेड ने शतक लगाकर मैच को एक तरफा कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से फाइनल जिता दिया। लेकिन दोस्तों, अब एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है, जिससे करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और अंपायर ने भारत के साथ बेईमानी की है। आपको बता दें कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा रोहित शर्मा का आउट होना। जब रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि भारत 350 रन तक आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन 10वें ओवर की 4थी गेंद पर मैक्सवेल ने रोहित को हेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही फोटोज पर विश्वास करें तो रोहित आउट नहीं थे। जब हेड ने कैच पकड़ा, वह कैच नहीं था और गेंद भी जमीन को छू गई थी, और इस तरह से भारत के साथ में बेईमानी की गई। थर्ड अंपायर ने भी इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया और इसे इग्नोर कर दिया। आपको याद होगा कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी जब वर्ल्ड कप फाइनल के अंपायर्स आए तो लोगों ने उन्हें काफी बू डाउन किया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस घटना पर ट्रेविस हेड का बड़ा रिएक्शन काफी ट्रेंड कर रहा है, कि उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। हेड ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं हमारे 6ठे खिताब को जीतने से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हमारी टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। भारत एक स्ट्रॉन्ग टीम है और वो भी हमारे जितना ही खिताब जीतने की दावेदार थी, बल्कि हमसे ज़्यादा ही थी, क्योंकि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था। लेकिन अब मेरे कैच की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि जब मैंने कैच पकड़ा तो हम सभी सेलिब्रेट करने लग गए और वो विकेट भी इनफॉर्म बल्लेबाज रोहित शर्मा का था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि गेंद जमीन पर लग गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये अपील भी नहीं करता। बाकी इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि थर्ड अंपायर की है, उनको इसको सही से चेक करना चाहिए था। वाकई में मैं रोहित के लिए काफी निराश हूँ, क्योंकि वो उस टाइम अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं रोहित और कोहली दोनों ही इस ट्रॉफी को जीतना डिजर्व करते थे, क्योंकि दोनों ने इस टूर्नामेंट में काफी लाजवाब प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को यहाँ तक लेकर आए थे। बाकी फिर भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वो भी एक चैंपियन टीम है।
दोस्तों, इस न्यूज के और ट्रेविस हेड की इंटरव्यू के सोशल मीडिया पर फैल जाने के बाद हमारी टीम ने थोड़ी रिसर्च की तो हमें ट्रेविस हेड की इस तरह की कोई भी ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं मिली। तो हो सकता है कि आपके और हमारी तरह निराश हुए किसी फैन ने इस तरह की न्यूज सोशल मीडिया पर फैला दी हो। जहां तक बात रही फाइनल मैच दोबारा खिलाने की, उस पर भी ICC की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलती। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हर मैच जीतकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम का एक मैच के कारण वर्ल्ड कप हार जाना क्या सही था? क्या फाइनल सच में दोबारा होना चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल फैक्टोपिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।